दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को मैं लाइव दिखाना चाहता हूं, जैसे कि आप लाइव देख लीजिए कि यहां दोस्तों देख लीजिए ओनली 53 मिनट्स में कितना व्यूज़ आया है, 27K व्यूज़ आया है। तो आखिर दोस्तों इन्होंने क्या ऐसा मतलब ट्रिक्स लगाया है और जिस ट्रिक्स के कारण से मतलब 53 मिनट्स में 27K व्यूज़ आ चुका है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हो आपके वीडियो में मतलब एक घंटे के अंदर अंदर आपके वीडियो में मतलब 4 से 5 हज़ार या लास्ट 10 हज़ार तक व्यूज़ आना चाहते हो तो दोस्तों आप डेफिनेटली आपके वीडियो पर आप व्यूज़ ला सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों एक कहावत है ना कि अगर सीधा उंगली से घी नहीं उड़ता है तो उंगली ज़रा टेढ़ा करना पड़ता है। तो अगर आपने जो भी प्रोसेस है आपके चैनल पर अप्लाई कर दिया है और उसके बावजूद आपके वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहा है तो दोस्तों आपको ज़रा उंगली टेढ़ा करना पड़ता है, उसके बाद जाके आपके वीडियो पर आप व्यूज़ ला सकते हो। तो दोस्तों इन्होंने वही ट्रिक्स लगाए हैं और जिस ट्रिक्स के कारण 53 मिनट्स में वीडियो में कितना व्यूज़ आया है, 27K व्यूज़ आ चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को मेरा पुराना जो चैनल है आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं, जैसे कि यहां आप देख लीजिए ये मेरा पुराना चैनल है, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़ होता है कि आप भी मेरी तरह एक न्यू यूट्यूबर से, इसलिए मुझे ये दिखाना पड़ रहा है कि ये मेरा पुराना चैनल है, इस चैनल से मेरा अर्निंग होता है, यहाँ आप डायरेक्टली देख सकते हो। तो दोस्तों ये दिखाने के मकसद ये है कि आप लोग की जो कन्फ्यूज़ है ये दूर हो जाता है। तो आप बात करते हैं कि दोस्तों अगर आपके वीडियो में मतलब काफ़ी सारे आपने बहुत मेहनत करते हुए आपके वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहा है तो आपको कैसे उंगली टेढ़ा करना है। दोस्तों देखिए, अगर आप सीधा उंगली से अगर आपके वीडियो में व्यूज़ नहीं आ रहा है तो आपकी उंगली थोड़ा बहुत टेढ़ा करना ही पड़ता है, क्योंकि आज के डेट में आपको भी पता है कि काफ़ी यूट्यूब पर कंपटीशन है और इसके बीच में अगर आप भी चाहते हो कि सबके साथ आपके चैनल ग्रो करना है तो भाई आपको थोड़ा बहुत ट्रिक्स इस्तेमाल करना पड़ता है, तो भी जाके दोस्तों आपकी जो चैनल है आप ग्रो कर पाएंगे। दोस्तों मेरा बातों पर यकीन मानिए। तो दोस्तों इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूं कि इस भाई ने क्या ट्रिक्स लगाया है। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है कि चलिए मैं यहाँ यूट्यूब जो है एक बार रिफ्रेश करके पहले से लॉग इन करता हूँ। तो यहाँ दोस्तों जो जिस चैनल में मैंने दिखाया है उसी चैनल को मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ और उसके बाद दोस्तों दिखाता हूँ आखिर क्या कि यहाँ पर आखिर क्या खेल चल रहा है, क्या दिमाग लगाया है इन्होंने। तो यहाँ आप देख लीजिए 53 मिनट्स में 27K व्यूज़। एक्चुअली दोस्तों क्या है कि यहाँ पर 53 मिनट्स में 27K व्यूज़ जो है यहाँ पर आपको मैं इस वीडियो पर क्लिक करके आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि आखिर इन्होंने क्या ट्रिक्स लगाया है। वीडियो को पूरा बिना स्किप करते हुए पूरा देखिए तो भी जाके आपके वीडियो पर आप अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपके वीडियो में सेम इसी तरह व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। चलिए मैं ये वीडियो प्ले कर लेता हूँ। सो यहाँ आप देखिए कि इस वीडियो में क्या हुआ है कि एड आ रहा है, तो ये तो मतलब चैनल जो है मोनेटाइजेशन लगता है कि चलिए एक बार देखते हैं कि आखिर मोनेटाइजेशन हुआ है या नहीं। तो दोस्तों ये जो चैनल है बिल्कुल मोनेटाइज है, लेकिन दोस्तों यहाँ दोस्तों आप देख लीजिए कि मतलब 5 दिन पहले ये वीडियो अपलोड किया गया है और 5 दिन में व्यूज़ कितना आया है, 1K यानी कि 1000 व्यूज़ आया है। लेकिन दोस्तों यहाँ जब वीडियो क्लिक करने से पहले कितना दिखाई दे रहा है, 53 मिनट्स में 27K व्यूज़ आ चुका है लगभग। तो दोस्तों आप भी क्या करते हैं कि आप भी इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि मतलब अक्सर इतना व्यूज़ कैसे आया है, तो आपको भी डाउट लगता है कि इसमें ज़रूर चेक करना चाहिए कि इन्होंने क्या ट्रिक्स लगाया है। अगर ऐसा ट्रिक्स होता है जिस ट्रिक्स की मदद से वीडियो में इतना व्यूज़ आ रहा है तो मेरा चैनल पर मेरे वीडियो पर मैं भी यूज़ करता हूं, इसलिए आप भी शायद क्लिक करते होंगे। इसी तरह अगर आप वीडियो देखेंगे तो यहाँ पर ट्रिक्स क्या लगा है अभी मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पर जो मतलब जो मेन पॉइंट है ये तो आप लोगों को मैंने दिखाया है कि यहाँ पर 5 दिन में 1000 व्यूज़ आए हैं, लेकिन सोच में क्या ट्रिक्स लगाए हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ देखिए मैंने यूट्यूब जो है ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों किसी एक चैनल में यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर देखिए मेरा जो एक चैनल लॉगिन है ऑलरेडी, तो यहाँ क्या करना है यूट्यूब लोगों पर क्लिक करने के बाद योर चैनल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप योर चैनल पर क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए मतलब मेरा एक डेमो चैनल है, तो यहाँ देखिए एडिट चैनल पर क्लिक करना है। एडिट चैनल पर आप जैसे क्लिक करेंगे
इसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए चैनल नेम है और राइट साइड पर एक पेंसिल आइकन दिया गया है, इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके जो चैनल का नाम है यहीं से आप एडिट कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्ट्रिक को आप ज़रूर अप्लाई करना है, तो क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ज़रूर अप्लाई करना है, तभी जाके आपके वीडियो पर आप व्यूज़ ला सकते हो। तो यहाँ दोस्तों देखिए चैनल का नाम है, तो एक बार स्पेस देना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए कि ठीक बीच में एक मतलब डंडा लगाना है। इसके बाद दोस्तों कितना क्या करना है, जैसे कि आप आपके हिसाब से आप टाइप कीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 25, इसके बाद के, इसके बाद मैं लिख देता हूँ व्यूज़, VIEWS व्यूज़, 25K व्यूज़। यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ 54 मिनट्स ए गो। तो यहाँ के मैंने टाइप कर लिया है। तो आपके जो चैनल है, चैनल में जो नाम है, नाम की जो लास्ट है, एक बार स्पेस देना है। और उसके बाद दोस्तों आपके हिसाब से आप 10K लिख सकते हो, 50K लिख सकते हो, आप 100K लिख सकते हो। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ दिन के लिए आपके जो चैनल नेम है यहाँ पर एडिट कर लीजिए। तो अभी क्या होता है कि काफ़ी जब लोग देखते हैं तो लोग ज़रूर आपके वीडियो पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके जो व्यूज़ है ये काउंट हो जाएगा और आपकी वीडियो भी ऑडियंस देखने लग जाएंगे। तो दोस्तों एक छोटा सा अपडेट आप लोगों को मैंने दिया है, और ये बहुत बड़े ट्रिक्स है, आपकी वीडियो पर आपके चैनल पर आप भी अप्लाई करना है, तो भी जाके आपकी वीडियो पर थोड़ा बहुत व्यूज़ आप ला सकते हो। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करना है, और इस चैनल में नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। सो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही है।